हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे. ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में रीड करेंगे. ओके, कंप्यूटर्स कम इन मैनी टाइप्स एंड साइज. कंप्यूटर कई टाइप्स में और कई साइज में आते हैं. ओके, दे कैन बी बिग, स्मॉल, पोर्टेबल एक्सेट्रा. वे बड़े भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं. ओके, ये देखो, ये कंप्यूटर के टाइप्स हैं. अब हम आगे रीड करेंगे. द पर्पस ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सेम बट दे डिफर इन देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी. दे कैन ऑल्सो डिफर इन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. सभी कंप्यूटर्स का पर्पस सेम ही रहता है. ओके, बट उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी सेम नहीं रहती, वो अलग रहती है, डिफरेंट रहती है, और उनकी जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी भी अलग रहती है. ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ मैं आपको कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बताऊंगी. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटीज कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. यहाँ पर नीचे कंप्यूटर की साइज और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में बांटा गया है. ओके, फर्स्ट क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकेंड सर्वर कंप्यूटर, और थर्ड क्या है, सुपर कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स और पाम टॉप कंप्यूटर्स. ओके, माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. दीज आर इनएक्सपेंसिव एंड आर डिजाइंड फॉर पर्सनल यूज. माइक्रो कंप्यूटर्स जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं. ओके, ये सस्ते भी होते हैं और इनका जो डिजाइन पर्सनल यूज के लिए किया गया है. ओके, दीज मेक यूज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. इनके अंदर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर. ये देखो, ये रही माइक्रो प्रोसेसर, इसके बिना ये काम नहीं करते हैं. ओके, माइक्रो कंप्यूटर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स. माइक्रो कंप्यूटर को इस तरह क्लासिफाइड किया गया है. ओके, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी. ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर, द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट कैन बी फिक्स्ड एट वन प्लेस. दीज कंप्यूटर्स कैन कॉमनली बी सीन इन शॉप्स, स्कूल्स, ऑफिसेस, होटल्स एक्सेट्रा. ये कौन सा कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है. ओके, ये एक ही जगह पर फिक्स रहता है, ये छोटा कंप्यूटर होता है और एक ही जगह पर फिक्स रहता है. ओके, कॉमनली हम इन कंप्यूटर्स को कहाँ पर देखते हैं, शॉप्स पर, स्कूल्स में और ऑफिस में, और कहाँ देखते हैं, होटल्स में. ओके, नेक्स्ट रिमार्क्स. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर सो called because they are always kept on the desk. Desktop computer क्यों कहते हैं, क्योंकि वे एक जगह पर ही, एक डेस्क पर ही स्थिर रहते हैं. Desktop computers comprise of four main parts: CPU, monitor, keyboard and mouse. Desktop computer के कितने main parts होते हैं, four main parts होते हैं. कौन से, CPU, monitor, keyboard और माउस. ओके, नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर. ये कौन सा कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर. ओके, लैपटॉप कंप्यूटर्स लुक लाइक अ स्मॉल ब्रीफकेस. दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लाइट इन वेट एंड कैन बी कैरीड अलोंग व्हाइल ट्रैवलिंग. लैपटॉप कंप्यूटर छोटे ब्रीफकेस जैसे दिखते हैं. ओके, ये कंप्यूटर बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इन्हें हम, अगर हमें जब ट्रैवलिंग पे जाना होता है तब भी ले जा सकते हैं.
These computers are as powerful as desktop computers. They have an inbuilt rechargeable battery. ये कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे ही पावरफुल होते हैं और इनके अंदर जो रिचार्जेबल बैटरी होती है वो होती है, जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तब हम इसे चार्ज कर लेते हैं और यूज में ले लेते हैं. ओके अब हम लैपटॉप की रिमार्क्स रीड करेंगे. ओके लैपटॉप्स आर सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर इनबिल्ट इन देम. ये सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स होते हैं. ओके इनके अंदर ही मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सब इनके अंदर ही बने हुए होते हैं. ओके दे ऑल्सो हैव इनबिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर एक्सेट्रा. और इसके साथ साथ इनके अंदर ही कैमरा, माइक्रोफोन ये सब भी होते हैं. ओके स्पीकर. थ्री एडिशनल डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, स्कैनर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी अटैच्ड विद देम इफ रिक्वायर्ड. और इसके अलावा हम इसके अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, स्कैनर, अगर हमें जरूरत लगे तो. ओके अब टैबलेट कंप्यूटर्स. टैबलेट कंप्यूटर्स ऐसे दिखते हैं. कंप्यूटर्स अ टैबलेट कंप्यूटर्स इज अ स्मॉल लाइट वेट पोर्टेबल डिवाइस. इट कंपेराइज ऑफ एलसीडी, टच स्क्रीन. ऑल इनपुट आर प्रोवाइडेड बाय टचिंग द स्क्रीन्स. दे वर्क ऑन रिचार्जेबल बैटरी. टैबलेट स्मॉल लाइट वेट और पोर्टेबल डिवाइस है. ओके ये किसके जैसे दिखते हैं? टच स्क्रीन एलसीडी जैसे. ओके और इन पर इनकी जो स्क्रीन होती है उस पर जैसे टच करते हैं वो वैसे ही वर्क करते हैं. ओके और वो रिचार्जेबल बैटरी पर वर्क करते हैं. ओके जब उनकी जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से रिचार्ज कर लो, फिर से चार्ज कर लो. ओके और टैबलेट कैपेबिलिटीज आर वेरी लिमिटेड. इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर असेसिंग वेबसाइट्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग मूवीज एंड गेम्स. जो टैबलेट है उनकी कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है. ओके इसको हम किस लिए यूज में ले सकते हैं? किसी भी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए या फिर गेम्स देखने के लिए, गेम्स प्लेइंग करने के लिए. ओके टैबलेट कंप्यूटर्स आर handheld computers. They can fit in our lap and can be carried along. जो tablet computers होते हैं वो handheld computer होते हैं. Okay? ये हमारी गोद में भी fit हो जाते हैं, मतलब हम इसे गोद में भी रख सकते हैं work करने के लिए और इनको कहीं उठाकर कहीं ले जाना हो वहां भी हम ले जा सकते हैं. ओके इनके साथ सीपीयू मॉनिटर नहीं होता है, ये छोटे होते हैं हमारे हाथ में ही आ जाते हैं. ओके दे हैव इनबिल्ट कैमरा, स्पीकर एंड माइक्रोफोन. इनके अंदर ही जो इनका कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन इसके अंदर ही बना होता है. ओके पाम टॉप कंप्यूटर्स. अ पाम टॉप कंप्यूटर्स इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट फिट्स इन द पाम्स ऑफ योर हैंड. जो पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं. ओके वो हमारी हथेली में आ जाते हैं. आपको पता ना पाम मीन्स क्या होता है? हथेली. वो हमारी हथेली में आ जाते हैं, हैंड में आ जाते हैं. ओके दे लुक लाइक मोबाइल फोन एंड कैन बी कैरिड टू एनी प्लेस इन हैंड बैग और इन द पॉकेट. ये मोबाइल जैसे दिखते हैं. ओके और हम इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, हमारे हैंड बैग के अंदर रख के या फिर पॉकेट में रख के. ओके पाम टॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं. ये देखो ये है पाम टॉप कंप्यूटर. ओके रिमार्क्स. पाम टॉप कंप्यूटर कैपेबिलिटीज और
are limited, but they are quite suitable for applications like notebook, phone book, calculator, etc. पामटम कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, उनके अंदर यही एप्लीकेशन मोस्टली होती है, जैसे नोटबुक, फोन बुक और कैलकुलेटर आदि. ओके, पामटम कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और PDA. पामटॉप कंप्यूटर को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं या फिर PDA भी कहते हैं. ओके, दीज कंप्यूटर्स डिड नॉट हैव अ माउस और अ कीबोर्ड एंड हैव अ पेन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट. जैसे हमें कंप्यूटर में या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस की जरूरत होती है, वैसे इसमें कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए इसका जो पेन रहता है उससे ये वर्क करता है. ओके, द टर्म पामटॉप वॉज यूज अर्लियर व्हेन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज एंड मोबाइल फोन्स आर. द टर्म पामटॉप वॉज यूज अर्लियर व्हेन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज एंड मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स वर नॉट येट इन्वेंटेड. पामटॉप कंप्यूटर कब यूज में आते थे? वे बहुत पहले यूज में आते थे, जब कंप्यूटर बहुत ही लार्ज थे और जब मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स का आविष्कार नहीं हुआ था. ओके, सर्वर कंप्यूटर्स. अब हम सर्वर कंप्यूटर के बारे में रीड करेंगे. ओके, अ सर्वर कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स एज अ सेंट्रल कंप्यूटर. मैनी अदर कंप्यूटर्स कैन बी connected to them. It has a very large memory and allows the connected resources to share storage area and information. जो सर्वर कंप्यूटर रहते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर के जैसे वर्क करते हैं. ओके, बहुत सारे कंप्यूटर्स इनसे कनेक्टेड रहते हैं. ओके, इनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही लार्ज होती है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करने में काम में आते हैं. ओके, ये सर्वर कंप्यूटर ऐसे दिखते हैं. ओके, रिमार्क्स क्या है? सर्वर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज इन इंटरनेट एनवायरनमेंट. सर्वर कंप्यूटर का यूज मेनली इंटरनेट एनवायरनमेंट के लिए किया जाता है. ओके, दे कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर ईयर्स विदाउट स्विचिंग them off. ये बिना ऑफ स्विच ऑफ हुए कंटिन्यू कई सालों तक काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते. ओके, दे आर सो पावरफुल दैट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू देम. जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि हजारों जो छोटे कंप्यूटर्स है वो इनसे कनेक्ट होकर वर्क कर सकते हैं. ओके, अब है सुपर कंप्यूटर्स. ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर्स. दे आर वेरी बिग इन साइज एंड वर्क मैनी टाइम्स फास्टर देन अदर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स जो रहते हैं बहुत ही महंगे होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं. ओके, ये साइज में भी बहुत बड़े होते हैं और वर्क भी बहुत ही फास्ट करते हैं बाकी कंप्यूटर से. ओके, ड्यू टू देयर वेरी हाई स्पीड दे आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, वार वेपन्स डिजाइनिंग एक्सेट्रा. जो सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है. ओके, बहुत ही जल्दी हर चीज को करते हैं, हर कैलकुलेशन को बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं. ओके, इनका यूज किस लिए किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग मींस जो मौसम की जानकारी के लिए, और एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग के लिए, और युद्ध में जो हथियार बनते हैं ना उनकी डिजाइनिंग आदि के लिए किया जाता है. ओके, रिमार्क्स.
Supercomputers are also called computing giants. Supercomputer को computing giants भी कहा जाता है. Okay. CRAY, XMP24 and NEC 500 are few examples of supercomputers. ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है. ओके okay? ये भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स के नेम है. ओके PARAM and ANURAG आर सुपर कंप्यूटर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. ये वो वाले सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में, जिनका निर्माण इंडिया में किया गया. ओके okay?